हेलो गाइस, आई एम रोहित एंड वेलकम बैक इन इम्पैक्ट हिंदी इन्फो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट एमरजेंट्स मेन इवेंट के नाइट वन मैच कार्ड्स और हाइलाइट्स प्रेडिक्शन के बारे में कि क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा नाइट वन इम्पैक्ट एमरजेंट्स मेन इवेंट के अंदर। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस हफ्ते की इम्पैक्ट रेसलिंग की हाइलाइट्स के बारे में कि क्या कुछ हमें देखने को मिला। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हफ्ते की इम्पैक्ट रेसलिंग की हाइलाइट्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं इम्पैक्ट हाइलाइट्स की वीडियो वीरवार को या शुक्रवार को लेके आता हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। आज सैटरडे है, लेकिन गाइस अभी मैं इस वीडियो में इसको कवर करने जा रहा हूँ। तो गाइस, इम्पैक्ट रेसलिंग की शुरुआत होती है विली मैक वर्सेस एरिक यंग के मैच के साथ। तो गाइस, इस मैच की शुरुआत रिंग में ही होती है, लेकिन ये रिंग के बाहर बैक स्टेज से ही पीटते हुए आते हैं। और गाइस, यहाँ पे विली मैक पूरी तरह से यहाँ पे रिजवान अपने दोस्त का बदला लेने के लिए इस मैच को लड़ते हैं और काफ़ी हद तक एरिक यंग की मारपीट करते हैं। काफ़ी सारी मारपीट होती है इन दोनों के बीच में, अच्छे मूव्स भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आखिरी में इस मैच को एरिक यंग अपना फिनिशर मूव लगा के जीत जाते हैं। गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिला किम्बरली वर्सेस जॉर्डन ग्रेस के बीच में। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये मैच नंबर वन नॉकआउट कंटेंडरशिप के चैंपियनशिप मैच के लिए हो गया था, क्योंकि गाइस यहां पे किम्बरली ने जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ, और उन्होंने जॉर्डन ग्रेस को एक यहां पे चैलेंज किया था कि अगर वो इस मैच को जीत जाती हैं तो फिर वो बन जाएंगी नंबर वन कंटेंडर फॉर नॉकआउट चैंपियनशिप। तो काफ़ी अच्छा मैच रहा, लेकिन जॉर्डन ग्रेस ही इस मैच को जीती हैं बाई सबमिशन। यहाँ पे उन्होंने किम्बरली को हरा दिया है, लेकिन यहाँ पे किम्बरली की भी मैं यहाँ पे तारीफ करूँगा, क्योंकि वो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छे मैच दे रही हैं, भले ही वो मैच को हार गई। गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिला हैवेक एंड नेविया वर्सेस टेसा एंड केरा होगन के बीच में। तो गाइस, जैसा कि हमें पता था कि ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, और इस मैच के अंदर हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के साथ होती हैं। और गाइस, इस मैच में टेबल भी टूटता है और काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें यूज़ किया जाता है। और गाइस, लेकिन यहाँ पे आखिर में केरा होगन एंड टेसा इस मैच को जीत चुकी हैं, उन्होंने नेविया एम हैवॉक को हरा दिया है इस नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के अंदर। गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे मैच चला होता है सोसाइड वर्सेस रस्कल के बीच में। और गाइस, ये मैच चला ही होता है कि वहाँ पे इंटरफेरेंस करने आ जाते हैं गुड ब्रदर्स यानी कि गैलो और एंडरसन। और गाइस, यहाँ पर वो आते हैं और इन दोनों के ही ऊपर अटैक कर देते हैं, सोसाइड के ऊपर भी और रस्कल की टीम के ऊपर भी। और गाइस, उसके बाद वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है मैडमैन फॉर्टन एंड ऑस्टिन को। तो गाइस, यहाँ पे उन्होंने इनको सीधा ही चैलेंज कर दिया है, और इम्पैक्ट एमरजेंस जो कि एक मेन इवेंट होने वाला है उसके लिए इन दोनों का मैच होगा, इसके लिए उनको चैलेंज कर दिया है, और गुड ब्रदर्स ने भी इस चैनल को एक्सेप्ट कर लिया है। गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे एडी एडवर्ड्स आते हैं और ओपन चैलेंज करते हैं जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया है, और यहाँ भी वैसे ही वो ओपन चैलेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ब्रायन मायर्स डेब्यू करते हैं इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर और वो एक्सेप्ट करते हैं उनके चैलेंज को। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर तक ये मैच नहीं चलता है और यहाँ पे इस मैच को जीत जाते हैं एडी एडवर्ड्स और वो रिटेन कर लेते हैं अपना इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप को। और गाइस, इम्पैक्ट हाइलाइट्स के बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगा इम्पैक्ट एमरजेंट्स मेन इवेंट के नाइट वन के मैच कार्ड्स और हाइलाइट प्रेडिक्शन के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि मोटर सिटी मशीन गन्स अभी करंट इम्पैक्ट टैग टीम चैंपियंस हैं, तो वो अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं द नॉर्थ के साथ। और गाइस, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे वो अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे और यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स ही इस मैच को जीतेंगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं अगले मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलेगा द गुड ब्रदर्स यानी कि गैलो और एंडरसन वर्सेस एस ऑस्टिन एंड मैडमैन फॉर्टन के बीच में। तो गाइस, मुझे ये लगता है कि इस मैच को गुड ब्रदर्स जीत जाएंगे और एस ऑस्टिन एंड फॉल्टन इस मैच को हार जाएंगे। और गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि नाइट वन के लिए अनाउंस हुआ है, वो होगा एक्स डिवीजन चैंपियनशिप के लिए। और गाइस, ये मैच हमें ट्रिपल थ्रेट के रूप में देखने को मिलेगा, क्रिस बे जो कि अभी करंट इम्पैक्ट एक्स डिवीजन चैंपियन हैं वर्सेज टीजेपी वर्सेज हमारे भारतीय मूल के रोहित राजू। तो गाइस, मुझे ये लगता है कि इस बार इस मैच को टीजेपी जीतेंगे और वो बनेंगे न्यू इम्पैक्ट रेसलिंग एक्स डिवीजन चैंपियन। और गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलेगा टीएनए हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि मूस अभी करंट टीएनए हैवीवेट चैंपियन हैं, तो गाइस वो अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं एमरजेंस के अंदर ट्रे के साथ। तो गाइस, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे मूस इस मैच को जीतेंगे और वो रिटेन करेंगे अपना टीएनए हैवीवेट का टाइटल। तो गाइस,
अभी तक तो इम्पैक्ट एमरजेंट्स के लिए यही मैच अनाउंस हुए हैं इम्पैक्ट रेसलिंग की ओर से। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगी वो आपको दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।